हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे रेसेशन के बारे में। देखिए, पूरी दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमीज को जिन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी को भी उन्हीं ग्लोबल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। जैसे हायर इन्फ्लेशन, यानी कि चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी है, जैसे हायर इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से लोन लेना काफ़ी महंगा हो चुका है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बीच में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले एक महीने के अंदर दो बार अपनी रेपो रेट को बढ़ा दिया। पहली बार 0.40 बेसिक पॉइंट के साथ और दूसरी बार 0.50 बेसिक पॉइंट के साथ। अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, तो रेपो रेट एक ऐसी रेट है जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी बैंक के पास शॉर्ट टाइम के लिए कितना कैश होना चाहिए। क्योंकि RBI ने अपनी रेपो रेट को बढ़ा दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बैंक के पास कैश की लिक्विडिटी प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा जा सकता है, जो कि पिछले कई दिनों में कई बार बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। और इन्हीं सारे रीजन की वजह से जो इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लेवल, खुद RBI ने 6% डिसाइड किया था, वो बढ़ के 7% हो गया, जिसकी वजह से इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो पे जाके हिट हो चुका। और इन सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई उस एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा था। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, फूड प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है। सीधे सीधे आसान भाषा में बात करूं तो सडन राइज इन कॉस्ट हर चीज में हो चुका है, जो कि सीधे सीधे एक इन्फ्लेशन की तरफ इशारा है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया के अंदर भी आ चुका है। इंडिया में भी हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। और जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है, रेसेशन उसके साथ रिजेंब्लेंस में दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि इंडिया भी धीरे धीरे इन्फ्लेशन से रेसेशन की तरफ जाना शुरू हो चुका है। लेकिन RBI इंडिया को इस रेसेशन पे जाने से बचा सकता है अगर वो एक चीज को कंपलसरी फॉलो कर ले। अगर RBI एक रेगुलेटरी मैंडेटरी शॉर्ट इंटरवल्स में इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर करेंसी सर्कुलेशन को शुरू कर दे, यानी कि बैंक्स के पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, मार्केट के अंदर करेंसी सर्कुलेशन शुरू हो जाए, तो स्टॉक मार्केट को गिरने से बचाया जा सकता है, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जा सकता है, और इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके इंडिया को रेसेशन में जाने से बचाया जा सकता है। अरे, वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।